ये सारी चलाकियाँ इस बीबी में है। वो जितनी जबान यहाँ चलाती है ना, उतनी ही चुप वो वहाँ होती है। हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, उनको अपनी बेटी को तो बचाना है। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री की मकबूल शख्सियत मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की सबका अहलिया बुशरा इकबाल ने इंकशाफ किया है कि आमिर की वसीयत पर उनका पोस्टमार्टम रुकवाया गया था। बुशरा इकबाल का हाल ही में दानिया शाह की गिरफ्तारी से मुतालिक केस में अदालत में पेशी के मौके पर कहना था कि दानिया की वालदा की कहानियां घड़ने पर हंसी आती है, मुझ पर आमिर के पोस्टमार्टम रुकवाने के इल्जामात लगाए गए। आमिर लियाकत की जायदाद पर कोई तनाज़ा था ही नहीं। आमिर लियाकत का घर आज तक सील है। उनकी प्रॉपर्टी के इश्यूज़ में हम आज तक नहीं पड़े। मैं अपने ज़ाती खर्चे पर इस केस को लड़ रही हूँ। साबका अहलिया के मुताबिक आमिर का पोस्टमार्टम इसलिए रुकवाया गया क्योंकि इनकी वसीयत थी जो उन्होंने अपने दोस्त साकिब से की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कभी मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरा पोस्टमार्टम कभी मत करवाना। इंतकाल के बाद जब आमिर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई निशान या इंजरी के शवाहिद ना मिले तो उनके बच्चों ने फैसला किया, हम अपने वालिद को पोस्टमार्टम के अमल से नहीं गुजारेंगे। बुशरा इकबाल ने मजीद कहा कि रही बात आमिर लियाकत की जायदाद की, तो आज आमिर की सबसे बड़ी जायदाद जो उनके बच्चे हैं वो मेरे पास हैं।